हरे कृष्णा। आज आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि क्या टॉपिक है, कि माल्टा के अंदर से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या रिस्ट्रिक्शंस हटी हैं और उससे आपको क्या फायदा है। वीडियो बनाने से पहले मैं सबको एक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज रामनवमी महोत्सव है, तो आप सबको श्री राम की शुभकामनाएं। जय श्री राम। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। माल्टा के अंदर पहले क्या था कि अगर कोई भी माल्टा में ट्रैवल कर रहा है, स्पेशली अगर मैं इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान कंट्री से बोलूं, जिनको हम थर्ड नेशनल कंट्रीज बोलते हैं, कोई भी जब माल्टा में ट्रैवल कर रहा था तो उनको कम से कम 14 दिन, 14 डेज के लिए माल्टा में क्वारंटाइन होना पड़ता था, चाहे तो वो एयरपोर्ट पे होते या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होटल्स के अंदर या हॉस्टल्स के अंदर होते, उस अकोमोडेशन के अंदर। वहां पर एक एवरेज आपका 100 यूरो का खर्चा फिक्स था, तो 14 दिन रहते हैं तो लगभग 1400 यूरो का खर्चा वहां पर हो ही रहा था सभी लोगों का, जो भी माल्टा जा रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट पर, चाहे वो टूरिस्ट पर, चाहे वो वर्क पर वो एक खर्चा सबका फिक्स हो गया था। टीवीएम एक न्यूज़पेपर है जिसने यह अनाउंस करा है ऑनलाइन न्यूज़पेपर के अंदर कि माल्टा ने ये रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल अपलिफ्ट कर दी है, बिल्कुल खत्म कर दी है। अब माल्टा में क्वारंटाइन खत्म, तो मतलब आपके 1400 यूरो बच गए, लेकिन एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन क्या है? अगर आपका माल्टा का वीजा लगा हुआ है और आपने माल्टा ट्रैवल करना है और आप चाहते हैं कि वहां जाकर मैं 14 दिन के लिए क्वारंटाइन नहीं हूं, तो आप जिस भी कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं, अपने ट्रैवल से 48 आवर्स पहले आपके पास अपना COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए कि हाँ जी आपको कोविड नहीं है, तो उसका नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। वन सेकेंड कंडीशन, आपके पास एटलीस्ट प्रेफरेबली दोनों डोज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोज 1 का भी और डोज 2 का भी। यहां पर मैं अपनी एक पर्सनल रिकमेंडेशन और ऐड कर रहा हूं, दिस इज माय रिकमेंडेशन एज एन अ पर्सनल इंडिविजुअल, एज एन कंसल्टेंट, कि अगर आपको सेकेंड डोज लगाए हुए मोर देन 90 डेज हो चुके हैं तो आपको एक बूस्टर डोज भी लगा लेनी चाहिए। तो डोज 1, डोज 2, डोज 2 को अगर 90 डेज और अबव हो गए हैं तो यू शुड हैव अ बूस्टर डोज ऑल्सो। सो ये 2 या 3 डोज के आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रैवल से 48 आवर्स पहले आपके पास होना चाहिए कि आप कोविड पॉजिटिव नहीं हैं। अगर ये आप सर्टिफिकेट्स लेके जाते हैं तो माल्टा में आपको एक भी दिन के लिए क्वारंटाइन नहीं होना। आप गए और जाते ही अगर वर्क वीजा पर हैं तो जाते काम करें, और टूरिस्ट पर हैं तो जाके आप घूमें, स्टूडेंट पर हैं तो जाके कॉलेज में एनरोल करें, अपना TRC कार्ड लें और अपनी पढ़ाई शुरू करें। माल्टा स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, कॉल करें। माल्टा के कॉलेज के हम लोग इंडिया एडमिशन सेंटर हैं। जो जो एजेंट, जो जो एसोसिएट कॉलेज के साथ डायरेक्ट काम करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, कॉल करें, अपना एजेंट एसोसिएट हमारे साथ साइन करें और कॉलेज के साथ डायरेक्ट अपना आप कमीशन के साथ काम करें। जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडवाइस है कि वो जिस लोकेशन पर हैं उस लोकेशन पे जो भी लोकल कंसल्टेंट, लोकल एसोसिएट, लोकल एजेंट हैं, आप उन्हीं के थ्रू काम करवाएं, जिससे कि आपको एक लोकल सपोर्ट मिलती है, क्योंकि एजेंट को बहुत कुछ चीजें पता होती हैं और वो हमसे रेगुलर इन टच रहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस है, बट स्टिल जो भी स्टूडेंट्स हमारे ऑफिस के नियर बाय हैं वो हमारे ऑफिस आ भी सकते हैं या हमारे साथ ऑनलाइन डिस्कस भी कर सकते हैं। सो वी कैन स्टार्ट योर स्टूडेंट वीजा प्रोसेस। हमारे ऑफिसेस नोएडा, हेड ऑफिस है नोएडा, दिल्ली, सिरसा, कुरुक्षेत्र, सून वी आर कमिंग अप इन चंडीगढ़, सून वी आर कमिंग अप इन हैदराबाद ऑल्सो, इन साउथ इंडिया ऑल्सो। हमारे इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं दुबई, माल्टा एंड क्रोएशिया के अंदर। मैं अमन शुक्ला, आई एम द CEO ऑफ द कंपनी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जय श्री राम।